तो खाना उना बना के ना मैंने एंड नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद का ये आगे का ही है। तो जैसे मैंने पनीर की सब्जी वगैरह बना ली थी ना, तो उसके बाद मुझे अचानक से कहीं जाना था। तो ये ना देखिए मेरा मनी प्लांट है, ये 2 2.5 साल पहले मैंने लगाया था, जब मेरा कोरोना का टाइम था ना फर्स्ट बार, उसी समय का। तो अभी देखिए कितना लंबा हो चुका है। और उसके बाद हम लोग तैयार होके ना सीधे मार्केट आ गए थे। तो मार्केट में आके मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, अभी तो पता है ना आपको कि ठंड का सीज़न आ गया है, तो बस वही स्वेटर देखने आई थी अपने लिए। तो वो मुझे पसंद, मेरा हिसाब का मुझे नहीं अच्छा लग रहा था काफ़ी, मतलब कि होता ना सिंपल। फिर मैंने साड़ी की दुकान में भी गई, तो वहाँ भी मुझे कुछ खास, ये सब बंगाली साड़ी जैसे होता है ना, तो ये सब ठीक ही लग रहे थे। लेकिन फिर मैंने, बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे वो लोग, 1.5 हज़ार 2 हज़ार। तो मैंने सोचा एक ठो बनारसी ले लूँ, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा देखा, फिर वहाँ से चली आई। फिर उसके बाद मॉल में भी आई मैं, वहाँ पर भी मुझे देखा कि स्वेटर ले ले एक ठो हल्का फुल्का सा। ठंड तो आए गई, ठंड तो आई चुका है लगभग, तो लेकिन मुझे यहाँ भी कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा था। मैंने देखा था कुर्ती भी मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कोई उतना खास नहीं लगा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर उधर मतलब शॉपिंग मतलब किए, ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। फिर बस फिर हम लोग सीधे घर चले आए। तो घर आके ना मतलब ये समोसा का दुकान था पास में ही वहीं पे, तो हम लोग वहीं से, ये बहुत दिनों बाद हम लोग पहले लाते थे, तो ये फिर से हम लोग ले आए। तो ये तिकोना टाइप का है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो ये हम लोग ना हमेशा नहीं लाते, ये उस तरफ जाना होता ना, तो ये बहुत दिनों बाद लाए थे। और अभी देखिए हम, मैं यही वाला एक कोट लेके आई, मतलब ये जो ठंड में पहनने वाला जैकेट होता है ना, तो यही लेके आई थी। तो आप सबको दिखा देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ। ये ब्लैक कलर में है और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब लग रहा था इसको पहनने से। तो अभी उतना ठंड नहीं आया है, लेकिन ठंड जब आएगा ना, तो उसके लिए बहुत ही मतलब गर्माहट देगा ये। तो ये देखिए इसमें बाँह में भी चेन है और सामने भी चेन है, और काफ़ी मोटा है। और ये अभी फिर उसके बाद ये चिप्स लाया था, तो उसमें ये खिलौने निकले थे। तो बस यही यहीं तक थी मेरी वीडियो। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।